गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी की ब्रिज क्षेत्र की बैठक हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम और ब्रिज क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लिया। इसके अलावा बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, सरकार से बड़ा संगठन है। श्रीकांत त्यागी मामले में त्यागी समाज ने नोएडा में महापंचायत की। महापंचायत में शामिल होने के लिए यूपी के कई शहरों से त्यागी समाज के लोग बसों और प्राइवेट वाहनों से नोएडा पहुंचे। वहीं श्रीकांत त्यागी की पत्नी भी नोएडा प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची। बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। डीएम एसएसपी ने आज मंदिर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सदस्यों की टीम गठित की है, जो 15 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सैकड़ों पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इनको देखिए, ये लोगों को अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। चंदौली में चलती ट्रेन से यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को डीडीयू जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से विभिन्न कंपनियों के 11 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। आरोपी ने बताया, चोरी के मोबाइल बेचकर मिले रुपयों से वो जीविका चलाता था। नोएडा के सेक्टर 126 के जेपी विश्टाउन सोसाइटी के एक महिला के गाली देने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गालीबाज महिला सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को गाली देती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि गेट खोलने में देरी होने पर महिला ने गार्ड को जमकर गालियां दी, जिसके बाद अब पुलिस ने गालीबाज महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद कोर्ट ने महिला को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मेरठ में नाबालिग छात्रा ने शिक्षक पर रेप का आरोप लगाया है। नाबालिग ने बताया कि स्कूल बंद होने के बाद भी शिक्षक घर में ट्यूशन के बहाने बुलाता था। बहरहाल मामले का संज्ञान लेते हुए पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 376 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा पुलिस जांच में जुट गई है। आपको बता दें, ये मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का है। लखीमपुर खीरी से दिल्ली आ रहे किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राकेश टिकैत को गाजीपुर बॉर्डर पर हिरासत में लिया गया, जिसके बाद राकेश टिकैत को मधुविहार थाने में रखा गया है। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के बाद अलीगढ़ में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। अलीगढ़ के टप्पल थाने के बाहर रोड पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के दर्जनों किसान धरने पर बैठ गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बादल फटने के कारण हुए नुकसान के बाद बचाव और मरम्मत कार्य का जायजा लिया। इनको देखिए, ये लोगों को अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।